हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो चुका है 11:53 और दिन है आज 2 दिसंबर 2023। तो आज मैं सुबह गया था 8 बजे के करीब बुराड़ी गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट आज की मिली नहीं, 5 तारीख की मिली है। तो अब थोड़ा बहुत काम करा के कागजों का आधा काम अब हो गया, आधा 5 तारीख में हो जाएगा, क्योंकि यार फिटनेस कराना बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे। कागज पता नहीं कौन कौन से कागज लाने पड़ते हैं, मीटर के कागज, हालांकि मीटर से गाड़ी चलती भी नहीं। तो आज देखते हैं कितने रुपए की कमाई होती है। ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं रिंग रोड पे, और यहाँ पे लगा हुआ है पूरा जाम। अभी अभी बुकिंग आई थी मेरे पास, बुकिंग ही लेने जा रहा हूँ मैं नोएडा की, घूम लगाया था मैंने। तो आज देखते हैं कितने रुपए का काम होता है और कितने रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, गैस मेरी वैसे भी फुल सी है, थोड़ी बहुत ही चली है फुल कराने के बाद। तो देखते हैं आज कितने रुपए की अर्निंग होती है और कितने हमारी जेब में बचते हैं खर्चा काट के। अब आ चुका हूँ मैं सेक्टर 18 नोएडा और कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। कस्टमर का बिल बना था 546 रुपये, ठीक है, ओला ने मुझे दिए 296 रुपये काट पीट के। 20-22 किलोमीटर की राइड थी। अब करते हैं वेट बुकिंग का, कहाँ की मिलती है बुकिंग नेक्स्ट, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, तो इसका मतलब अभी काम यहाँ पे हल्का है। कोई नहीं, करते वेट। तो टाइम हो चुका है 4:14 और इस वक्त मैं गुड़गांव सेक्टर 26 से मिली थी नोएडा से ड्यूटी मिली थी सराय काले खां की, और सराय काले खां से फिर यहाँ की गुड़गांव की बुकिंग मिली है। जो सराय काले खां वाली ड्यूटी थी उसमें बिल बना था कस्टमर का 324 रुपये, और कस्टमर से मतलब जो मिले थे 324 रुपये, और ओला ने मुझे दिए 196 रुपीस, क्योंकि उसमें टोल MCT भी था। और सराय काले खां से यहाँ के गुड़गांव तलक के कस्टमर का बिल बना था 803 रुपये और ओला ने मुझे दिए हैं 530 रुपये काट के, 803 में से 530 रुपए दिए। कोई नहीं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर पंप है CNG का, हरियाणा की CNG। यार कल भी हरियाणा में डलवाई थी, आज भी हरियाणा में डलवा रहा हूँ। बीच में कस्टमर रोकने भी नहीं देते कि भैया हमें जल्दी है, नहीं मैं दिल्ली में डलवाने की सोच रहा था। हरियाणा की गैस पड़ती है काफी महंगी, 82 रुपीस पॉइंट कुछ चल रहा है, लगभग 83 रुपये के करीब। और चलती पहले चलती थी अच्छी हरियाणा की CNG, लेकिन अब पता नहीं क्या मिलावट कर रहे हैं इसमें, मज़ा ही नहीं आता, एवरेज ही नहीं आता गाड़ी का। मिल चुका है हमें CNG पंप HCG CNG पंप। लाइन तो है यहाँ पे थोड़ी सी। तो गैस आ चुकी है 555 रुपए की। अब लगा दिया है गोहूम ग्रेटर नोएडा का, अब देखते हैं मिलती है कहाँ की बुकिंग। तो बुकिंग मिल चुकी है फरीदाबाद की, गुड़गांव से फरीदाबाद, अब जा रहा हूँ पिकअप करने। तो टाइम हो चुका है 6 बज चुके पूरे और इस टाइम आ चुका हूँ मैं फरीदाबाद। गुड़गांव वाली बुकिंग अभी ड्रॉप करी है मैंने और गोहूम लगा दिया मैंने क्रॉसिंग रिपब्लिक, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का लगाया तो गुड़गांव से फरीदाबाद भेज दिया, अब पता नहीं कहाँ भेजे, तो इसलिए मैंने गाजियाबाद और क्या बोले नोएडा की तरफ का गोहूम लगा दिया। अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग मिलती है।
टाइम हो चुका है 7:54 और इस टाइम हुए नोएडा सेक्टर 36। फरीदाबाद से बुकिंग मिली थी और कस्टमर का बिल बना 858 रुपये और ओला ने मुझे दिए 439 रुपये, जिसमें कस्टमर का जिसमें मुझे और ऐड हुए क्या बोले, एक तो MCD का टोल और एक फरीदाबाद वाला टोल, ठीक है, लेकिन UP का टोल मुझे नहीं मिला। लेकिन ओला ने कस्टमर से ले रखा है, डिटेल में देखा मैंने, लेकिन वो मुझे नहीं दिया। तो भाई ये है सीन, 1 घंटा 45 मिनट के करीब इस राइड में लगे और 32 किलोमीटर की दूरी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है। तो बुकिंग मिल चुकी है एयरपोर्ट की, गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन से। अब जा रहा हूँ पिकअप करने, मतलब पिकअप पे खड़ा ही हूँ, लोकेशन पे कस्टमर ही पीछे खड़ा है गाड़ी के, आने वाला है। तो एयरपोर्ट पे कर दिया कस्टमर को ड्रॉप, अब जा रहा हूँ मैं बाहर की तरफ, अगर देखता हूँ रोटी कोई मिलती है तो। मिल तो रही थी लेकिन गुड़गांव की मिल रही थी यहाँ से Terminal 3 से, वो मैंने उठाई नहीं, 2-3 मिल के आएगी गुड़गांव की, मैंने उठाई नहीं। अब जा रहा हूँ बाहर की तरफ, वहाँ देखता हूँ कुछ मिलता है तो बुकिंग, या पार्किंग में भी जा सकता हूँ, पता कुछ नहीं मेरा किधर को घुमा दो भैया। चलो देखते हैं कहाँ की मिलती है, बताता हूँ फिर आपको। तो अपना दिमाग घूम चुका है इधर को जाने के लिए, तो यार अब चलता हूँ थोड़ा पार्किंग में कोई, क्योंकि पार्किंग में जो ना मिल जाएगी बुकिंग, कहीं की मिलेगी तो सही है यार, थोड़ा बहुत आराम भी हो जाएगा अपना, कुछ चाय वाय भी पी लेंगे। अभी बुकिंग आई थी खानपुर की, भाई खानपुर नहीं जाना हमें गलियों में, नोएडा गुड़गांव, मतलब गुड़गांव तो जाना ही नहीं, नोएडा की हो तो बता, कई सारी ड्यूटी पास करवा दिया, उल्टी सीधी बुकिंग दे रहा है ओला, और रेटिंग हटवा रहा मेरी, मुनी एक बार ही दे दे अच्छी सी बुकिंग। तो एयरपोर्ट से बुकिंग मिली थी सफदरजंग हॉस्पिटल की, और उसे ड्रॉप करने के बाद कस्टमर को दूसरी बुकिंग मिली है पड़पड़गंज की, सफदरजंग इनक्लेव से। तो जा रहा हूँ कस्टमर को पिकअप करने और देखता हूँ कितने रुपए का बिल बनता है, इसका तो अभी पता नहीं चला है इस बुकिंग का कितने रुपए का बिल बना है, तो बताता हूँ आपको पिकअप करने के बाद और फिर ड्रॉप करने के बाद। तो पड़पड़गंज वाली ड्यूटी कर दी है मैंने ड्रॉप, और कस्टमर का बिल बना था 365 रुपये और ओला ने मुझे दिए हैं 268 रुपये, और जो ड्यूटी मैं एयरपोर्ट से सफदरजंग हॉस्पिटल लेके आया था उसमें मिले मुझे 168 रुपये, ठीक है। उससे पहले मैं आया था नोएडा से एयरपोर्ट के मिले मुझे 325 रुपये। तो अब जा रहा हूँ मैं CNG डलाने, क्योंकि CNG ख़त्म होने वाली है, 1 घंटा बच रहा है CNG का, और उसके बाद देखते हैं कितने रुपये की CNG आती है। आज हमारा शीशा भी काफ़ी गंदा हो रहा है, कपड़ा लगा नहीं आज। तो टाइम हो चुका है 11:28 और गैस आई है 539 रुपये की और 555 की दोपहर आई थी। तो ओला में आज मैंने 8 बुकिंग करी हैं और मेरा काम हुआ है 2787 रुपये का, ठीक है, और इसमें मैंने 2 बार गैस डला ली है, 1 बार 555 की और 1 बार 539 की, अब आई है, ठीक है, क्योंकि 555 वाली डली थी हरियाणा में तो कम गैस आई थी और ज़्यादा महंगी आई थी, तो लगभग 1100 करीब की गैस बैठ रही है, तुम 1000 रुपये की मान लो गैस, ठीक है, 2787 में से 1000 गई तो 1787 रुपये बचे, उसमें से मैंने लगभग 150-200 रुपये खा भी लिए होंगे, अपना खर्चा भी हो गया होगा, तो 1787 माइनस 200 1587 टोटल 1500 मान लो, तो 12 घंटे में मैंने कमाए 1500 रुपये, ठीक है, खर्चा काट के।
सीएनजी का और अपना, तो मुझे बचे 1500 रुपये 12 घंटे में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।